नमस्कार मित्रों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि राजेश जोशी और उनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पर आधारित यह कार्यक्रम ये कविता एन की कक्षा नौ की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग एक में संकलित है इस कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं स्वयं कवि राजेश जोशी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा आइए देखते हैं उनकी बातचीत विद्यार्थियों सबसे पहले परिचय मैं हूं हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं मेरे साथ हैं प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जिनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं क्षितिज भाग एक में लगी हुई है कवि राजेश जोशी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं बल्कि ये कहा जाए कि समकालीन कविता का मुहावरा गढ़ने में यदि किसी का विशिष्ट योगदान है तो वे हैं कविवर राजेश जोशी राजेश जोशी ने अनेक कविताएं लिखी हैं उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं नाटक लिखे हैं कविताओं के अनुवाद किए हैं और आलोचनात्मक गद्य भी लिखा है उन्हें अनेक सम्मान मिले हैं और उनकी कविता पुस्तक दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है मैं कविव राजेश जोशी का स्वागत करता हूं नमस्कार जोशी जी नमस्कार सर्वप्रथम मैं कविव राजेश जोशी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता का पाठ करें धन्यवाद ये कहता है बच्चे काम पर जा रहे हैं कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर, पर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदे क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें क्या बात है क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें क्या सारे मैदान सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक वाह या सारे मैदान सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक एक तो फिर, बचा ही, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कितना भयानक होता अगर ऐसा होता भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कहें सारी चीजें हसब मामूल यानी सारी चीजें जो कि क्यों है भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कहें सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं वाह बच्चे बहुत छोटे, छोटे छोटे बच्चे काम काम पर, पर, पर जा, रहे जा रहे हैं क्या बात है राजेश जी आपने बहुत सुंदर कविता पाठ किया राजेश जी हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं जरूर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर मेरा जन्म मेरे ननिहाल यानी भोपाल से बहुत पास में एक छोटी सी जगह है नरसिंहगढ़ हाँ मध्य प्रदेश में, में नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है वहाँ हुआ वो मेरा ननिहाल था मेरे नाना डॉक्टर थे अच्छा तो वहाँ मैं पैदा हुआ जी पर क्योंकि हमारे फोर फादर्स भोपाल में ही रहे जी। और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो है अच्छा। वो भोपाल में ही हुई बिल्कुल स्कूल से लेके तमाम अच्छा। बल्कि नौकरी भी वहीं करता रहा अच्छा, अच्छा। तो भोपाल में ही अधिकतम रहा आपने क्या क्या काम किए अपने आ, काम तो बहुत सारे किए क्योंकि वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा तो मैंने शास्त्र से एम एस सी किया अच्छा शास्त्र के विद्यार्थी हाँ मैं प्राणी शास्त्र का विद्यार्थी रहा कुछ दिन तक पत्रकारिता की क्योंकि नौकरी के दौर भाग में जैसा होता है और कुछ दिन तक अध्यापन किया बायोलॉजी टीचर की तरह कुछ छोटे गाँव में और इंदौर में एक आई के कॉलेज कहलाता है इस्लामिया करीमिया कॉलेज अच्छा उसमें भी अध्यापन किया अध्यापन किया बायोलॉजी पढ़ाई और उसके बाद में भोपाल आ गया और उसके बाद में काफी साल तक 32 साल तक यानी बैंक बैंक में रहा अच्छा। तो फिर से ही रिटायर हुआ ओ। अच्छा बड़े आपने बहुत ही रोचक तथ्य बताए कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे आप अध्यापक रहे बैंक कर्मी रहे फिर साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ मेरे पिता भी लेखक थे अच्छा और वो वैसे संस्कृत के विद्वान थे और अच्छा। उन्हें लिखा तो हिंदी में ही पर संस्कृत से बहुत सारा अनुवाद भी किया वरा हमेर के ए, की किताब में जो जल खोजने की जो विधियाँ हैं उसका हाँ। भी अनुवाद किया अच्छा और तो एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी और बहुत सारी पत्रिकाएँ घर में आती थी तो जैसा होता है कि घर का एक वातावरण ही ऐसा था कि हाँ, इसमें हाँ, 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 मेरे एक बड़े भाई भी शुरुआती दौर में कुछ कविताएं लिखते थे अच्छा, तो धीरे धीरे एक रुचि आप में जैसे पैदा होती हाँ, 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 तो उसी ढंग से मुझ में भी कुछ रुचियां पैदा हुई और अच्छा फिर मैं थोड़ा सा साहित्य की तरफ पर आपने कविताओं से शुरुआत की शायद और हाँ। नाटक भी आपने लिखे हाँ तो कविता लेखन पहले किया कि नाटक की ओर पहले रुचि हुई बचपन में जो शुरुआत होती है जैसे साहित्य नहीं माना जाना चाहिए वो मतलब एक किस्म का जो लेखन शुरू होता है हाँ। उसमें तो हर आदमी जैसे कविता ही लिखता है जी जी जी। तो कविता ही लिखी अच्छा ए, पर फिर जब ठीक से लिखना यानी तब जब कहना चाहिए कि साहित्य को जानना शुरू किया उसके बाद मैंने शुरुआत में कहानियाँ लिखी अच्छा और मैं सोचता था कि मैं शायद कहानी की तरफ जाऊँगा पर उसी समय एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जी। हिंदी गए वेणुगोपाल हाँ हा। वो भोपाल आए और उनसे मेरा संपर्क हुआ और मित्र हो गए हम लोग अच्छा और वो कवि थे हुँ हुँ। तो फिर मैं कविता की तरफ मुड़ गया अच्छा। और फिर कविता ही की तरफ ज्यादा काम किया वैसे नाटक लिखे और संस्कृत में ये माना जाता रहा है कि कवि को तब तक कवि नहीं माना जाता जब तक कि वह नाटक न ना लिख ले अच्छा। <laughs> तो अच्छा। भाष को महाकवि कहा गया जबकि उन्हें एक भी कविता नहीं लिखी सिर्फ नाटक लिखे तो ये संस्कृत की एक परंपरा है जी जी, जी तो नाटक एक तरह से निकश माना जाता था कवि का बाद में गद्य निकश निकश कहा जाने लगा जी, पर जी, एक जी, लंबे समय तक नाटक को ही निकश माना कभी ऐसी बेचैनी थी जो आपको कविताओं की तरफ ले गई और खास किस्म की कविताएं सामाजिक सरोकारों वाली कविताएं जो आपने लिखी नहीं जिस दौर में मैं आया और वो एक ऐसा समय था जिसमें जो कविता लिखी जा रही थी वो एक खास तरह की क्रांतिकारी कविता क्योंकि बाड़ी का जी, जी, आंदोलन से वेणुगोपाल उसी आंदोलन के प्रभाव से जो कविता आई थी उससे थी अच्छा तो वो सारा प्रभाव हम लोगों पर भी था धीरे हाँ, हाँ। धीरे वो प्रभाव हटा भी पर अच्छा। ये तो लगा ही कि अगर कुछ भी लिखना है जी, तो बिना सामाजिक सरोकारों के हाँ हाँ। आप लेखन नहीं कर, नहीं कर सकते तो लेखन का मुख्य कहीं लक्ष्य मुझे लगता आच्छा, है अच्छा आज हम जो पहली कविता या बच्चे काम पर जा रहे हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज आपसे उस कविता का केंद्रीय सरोकार क्या है भारत एक ऐसा देश है जी जो जो बाल श्रमिक की जो बाल श्रम की जो समस्या है उसमें जिन जिन जगहों पर सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं उनमें एक भारत कहना चाहिए कि शुरू के नंबरों में आता अच्छा अच्छा और बहुत बड़ी समस्या बाल श्रमिकों की रही है हालांकि संवैधानिक प्रावधान किए गए कि चौदह साल से छोटे बच्चों को आ, हम यानी श्रमिक नहीं बना सकते पर दुर्भाग्य से कानून तो बहुत सारे बनते हैं पर तो लागू नहीं होते और जिस तरह की गरीबी जिस तरह की हालतें रही हैं बहुत सारे समाज के निचले तबके में उसमें ये लागू नहीं हो पाया और बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे श्रम की करने के लिए मजबूर हुए जी 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 जी। तो इस कविता को लिखने का और या इस कविता का केंद्र कहें के जी वो बाल श्रम की जो स्थिति है जी, जी, जो एक तरह का के अन्याय की स्थिति है हुँ, कि हुँ, हम बच्चों को श्रम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं जिस समय में उन्हें पढ़ना चाहिए जिस समय उन्हें खेलना चाहिए जी, जी 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 तो उस समय हम उन्हें एक श्रमिक में कन्वर्ट कर रहे हैं हु, तो ये हुँ, एक हुँ, बहुत बड़ी भयानक स्थिति है यही उसका। नहीं, आपने अपनी कविता में कहा कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना जबकि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह तो सवाल क्यों तो इसलिए कि हम करने हमेशा बाल श्रम पे जब भी आप देखेंगे कि खासतौर से जब भी बाल श्रम पे बात होती है खासतौर से बाल दिवस के आसपास बाल श्रमिकों पे बहुत बात होती है तो अक्सर जो लेख लिखे जाते हैं उसमें हमारे यहाँ आंकड़े गिनाए जाते हैं हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि क्या स्थिति है बाल श्रमिकों की और कैसे कैसी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे कि बच्चों को बिल्कुल जाना नहीं, तक नहीं दिया जाना हाँ। चाहिए वहाँ पे भी बाल श्रमिक काम, हाँ। हाँ, काम कर रहे हैं जैसे ग्लास फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं या जैसे फटाखों की इंडस्ट्री में बहुत बच्चे काम कर रहे हैं और उसमें बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं बहुत सारे बच्चे मारे गए तो ऐसी स्थितियों में हम हमेशा जो लेख पढ़ते हैं या जो लेख हमारे हम सामने आते हैं वो बहुत आंकड़े देते हैं रवि साय ने कहीं कहा है कि जितने ज़्यादा आंकड़े थे उतनी बड़ी आड़ हो गई हु, तो दिक्कत यही है कि हम सिर्फ आंकड़े गिना रहे हैं हम सिर्फ विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सवाल नहीं उठा रहे जबकि सवाल उठाया जाना चाहिए कि बच्चे क्यों श्रम कर रहे हैं बाल श्रमिक यानी कानून बनने के बाद भी ये स्थिति क्यों है जी, जी जी तो ये आवश्यक है कि हम उसको क्वेश्चन की तरह उठाएं उसको हाँ, एक प्रश्न की तरह उठाएं जी जी और इसको रोकें नहीं आपने अपनी कविता में अनेक विवरण दिए हैं कि अंतरिक्ष में सारी गेंदें खो गई हैं क्या दीमकों ने किताबों को खा लिया है क्या इन जो स्थितियां हैं जिनको आपने उभारा है जिसमें बच्चे वंचित हैं इस वंचित होने का व्यापक सामाजिक कारण क्या समझते हैं आप? जो सामाजिक संरचनाएं एक तो जैसा आजादी के बाद हमने जी। जैसा समाज बनाया है जी। तो जो जैसी सामाजिक संरचनाएं हमारे को मिली हैं उसमें हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो साधन संपन्न है जो जिनके पास सारे साधन हैं जिनके जिनको सारी सहूलियतें मिलती हैं उससे भी ज़्यादा साधन संपन्न लोग हैं तो यानी एक बड़ा तबका है मिडिल क्लास से लेकर और धनी वर्ग तक जो जिसके पास इतनी पूंजी है कि वो अपने बच्चों को वो सारी सहूलियतें दे सकता है नहीं। जो नहीं। एक बच्चे को मिलना चाहिए या एक बच्चे को मिनिमम जो मिलना चाहिए वो भी मिल सकती है जो मध्य वर्ग भी दे सकता है पर उससे बहुत बड़ा तबका वो है अधिकांश बहुत बड़ा तबका है, है जो पिछले दिनों ये आंकड़ा आया था कि सत्तर प्रतिशत आबादी ऐसी है अच्छा। जो बीस रुपये प्रतिदिन में अपना गुजारा चला रही तो हम सोच सकते हैं कि एक समाज जिसमें सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा आबादी बीस रुपये में अपना दिन गुजारा कर रही हो तो ये जो विभेद है ये जो आ, सामाजिक विभेद की स्थिति है उसमें ये स्थितियाँ बन रही हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वो हैं जिन्हें उनके जो न्यूनतम जो उन्हें मिलना चाहिए उससे भी वंचित कर दिया गया यानी उनको स्कूल तक नहीं दे पा रहे या उन्हें एक खिलौना एक उनके बचपन को हम नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं तो ये एक स्थिति है नहीं ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है इसके बावजूद भी एक उदासीनता समाज के अंदर है आप क्या समझते हैं कि ये उदासीनता बच्चों के प्रति ये उदासीनता समाज में क्यों व्याप रही है ऐसा होता है कि जब किसी समाज में एक चेतना के आंदोलन नहीं होते जी तो हम बहुत सारे लोग यानी जो जनी समाज में चेतना का प्रसार करना चाहिए जिन्हें सवाल उठाना चाहिए वो धीरे धीरे हर अन्याय को देखते देखते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं उसके अच्छा। कि उन पे इन चीज़ों का असर ही नहीं होता यानी वो अन्याय को देखते रहते हैं दुर्घटनाओं को देखते रहते हैं एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है ये देखते रहते हैं पर वो उस का कोई असर उन पे नहीं होता बड़ी-बड़ी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं बच्चे भा, 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 फटाकों की फैक्ट्री में आग लगने से मर गए जी, पर जी। उसका कोई असर कोई बेचैनी हम में नहीं होती नहीं। तो एक ऐसी अभ्यस्त स्थिति आ जाती है इम्यून होना जिसे कहते हैं एक पेरू के कवि थे वाशिंगटन डेलगाडो अच्छा और एक जेवियर हेराड नाम के कवि थे जो वहां पे जब क्रांति हुई तो वो बंदूक लेकर उसमें उतर गए अच्छा और जब उतर गए तो वो मारे गए तो इसपे एक बहस शुरू हुई पेरू में कि इसमें उनको नहीं उतरना चाहिए था, वो थे तो उन्हें बंदूक अच्छा। को उठाने की क्या जरूरत थी अच्छा। तो उसने कहा कि ये जो व्यवहारिक हिंसा है समाज में वाशिंगटन डेलगाडो ने लिखा कि ये जो व्यवहारिक हिंसा है जिसे हम हर दिन देख रहे हैं पर उसके हम इतने अभ्यस्त हो गए कि उस व्यवहारिक हिंसा को हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये बंदूक उठाने वाली हिंसा से ज्यादा घातक है तो उस व्यवहारिक हिंसा को समझने की या उसको महसूस करने की क्षमताएं हम खो जी देते हैं एक समय पे आके वो संवेदनाएं हमें मरने लगती हैं तो तब ये जरूरी हो जाता है आ, शायद इसी अभ्यस्त होने को शायद आपने अपनी कविता में कहा है कि भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हसब मामूल अभी हसब को थोड़ा सा व्याख्यात करेंगे तो अगर आप बाज़ारों में चले जाएं। जी। या जो साधन संपन्न लोग हैं उनके या जो हम हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स प्राइवेट लेवल पे या और भी स्कूल्स बन रहे हैं उन स्कूलों की हालत देखें और बाज़ारों की हालत देखें तो उसमें आप पाएंगे कि अठाटूट खिलौने भरे हैं हाँ। है ना अटूट रूप से रंग बिरंगी किताबें जो बच्चों के लिए होती हैं वो भरी हुई हैं बहुत बड़ी संख्या में इन सब चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और सब चीजें हैं मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं है क्या हम ये कहें कि हमारे पास खिलौने नहीं है इसलिए हम इन बच्चों को खिलौने नहीं दे पा रहे तो चीजें तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हैं पर उसके बावजूद हमारा समाज की संरचना कुछ ऐसी है जी। कि हमने उसे इतना विभाजित कर दिया है कि ये सिर्फ एक बहुत सीमित हिस्से को समाज के उसी के बच्चों को ये मिल रहा है अच्छा पर बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिसे वो नहीं।, नहीं मिल रहा है चीजें तो, तो हल्प मामूल हैं चीजें तो जो कि क्यों है मौजूद पर दुर्भाग्य से उन्हें देना संभव नहीं क्या बात है आपने बच्चों की स्थिति के बारे में जो इतनी भयावह रिपोर्ट प्रस्तुत की है क्या वास्तव में इस तरह का है मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है अच्छा कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार मिला जी, जी, जी। आ, उन बच्चों के, में काम करने के लिए जिन्हें बंधक बनाया आ, गया और उनको मुक्त कराया गया जी, जी। और भी बहुत सारे काम उनने बच्चों के लिए किए और बहुत सारी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में जो बच्चों के लिए काम कर हैं तो उन सबको अगर हम देखें और कैलाश सत्यार्थी जी के काम को देखें तो हमें लगेगा कि स्थिति कितनी भयानक है और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इससे एक बात उभर कर आई कि हमारे देश में बच्चों की स्थिति हाँ। और बहुत बड़े ए, पैमाने, पर, पैमाने पर जी, जी, जी। बच्चों की स्थिति कितनी भयावह है भयावह है राजेश जी आपने कविता में इतने विवरण दिए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इन्हीं से कविता का संसार पैदा किया है और प्राय इधर देखा जा रहा है कि लोग विवरणों से बच रहे हैं और दूसरी दूसरी चीज़ों पर बढ़ रहे हैं उससे वे अपनी मार्मिकता कविता की लाना चाहते हैं परंतु आपने विवरण के द्वारा जो घातक व्यंग्य किया है समाज पर है ना वो अपने आप में अद्वितीय है आपने हमारे विद्यार्थियों को अपने इन सरल शब्दों से जो कविता की बारीकियां हैं उन्हें समझाया बताया उससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थी हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे आप हमारे स्टूडियो में आए ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हाँ साथियों अभी कवि राजेश जोशी ने कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से जुड़े जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नया विस्तार और नए आयाम प्रदान करता है फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें हमें भी पत्र लिखें हमारा पता है संयुक्त निदेशक सी आई ई टी एन सी ई आर टी चाचा नेहरू भवन श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य एक साथियों अब हमारा कार्यक्रम यहीं सम्पन्न होता है अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनके कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार